गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग हिंदी कादंबरी भाग 3 का चांद का कुर्ता कविता पढ़ेंगे। इस कविता के लेखक हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर। इसको तुम लोग बोर्ड पर लिख दिए हैं, तुम लोग इसको कॉपी में उतार लो। उसके बाद इसका अर्थ समझाएंगे, उसके बाद शब्दार्थ पढ़ेंगे, उसके बाद अर्थ बताएंगे। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम जाड़े का, न हो तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे न तुझको जादू टोने। ठीक है, इसको तुम लोग कॉपी में उतार लो। उसके बाद शब्दार्थ है हट, जिद, सनसन तेज हवा के झोंके को सनसन भी कहते हैं, ठिठुरना मतलब कांपना, यात्रा को सफर भी कहते हैं, सलोने सुंदर, झिंगोला कुर्ता, आसमान आकाश, जादू टोने मंत्र छल। ये शब्दार्थ है, इसको याद कर लो, इसका अर्थ समझने में सही रहेगा। इसके बाद तुम लोग को अर्थ समझा दे रहे हैं। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का एक मोटा झिंगोला। चांद हट, हट मतलब यहाँ जिद। चांद अपनी माता से जिद कर रहा है कि माँ मुझे एक ऊन का मोटा झिंगोला सिलवा दो, मतलब एक कुर्ता सिलवा दो। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। सनसन रात भर तेज हवा के झोंके से मैं जाड़े से मरता हूँ, और ठिठुर ठिठुर कर मतलब कांप कर पूरी यात्रा मतलब पूरी सफर करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम जाड़े का, न हो तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। आसमान का इतना बड़ा सफर है, यात्रा है, और जाड़े की रात है, और मैं रात भर ठुठुर ठुठुर कर मरता हूँ, इस कारण मुझे कोई कुर्ता ही भाड़े से ला दो। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे न तुझको जादू टोने। बच्चे की सुन बात माता ने बोली कि अरे सलोने सुंदर तुम हो, तुम तो इतने सुंदर हो, भगवान तुम्हें कुशल रखे और तुझे कभी जादू टोने न लगे। ठीक है, इसके बाद तुम लोग आधा कविता आज बता दिए हैं, फिर अगले क्लास में और कल बताएंगे और इसका अर्थ भी बताएंगे। तुम लोग इसको अच्छा से नोट करो और याद करो।